जौनपुर में इन दिनों ठगों का गिरोह जो है वो सक्रिय है और भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ऐसा ही एक मामला जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र में आया है, जहां पे एक भोली भाली महिला को, बुजुर्ग महिला को जो है ना ठगों ने अपना शिकार बनाया है। तो हम इसमें उस गांव में मौजूद हैं जो कि चंदवक थाना क्षेत्र में पड़ता है, लेबरुआ दुबान, और जहां पे ये देखिए आप बुजुर्ग महिला हैं, ये बाज़ार में गई हुई थी और ठगों ने पहले इनको भ्रमित किया, इनको अपने झांसे में लिया, और किस तरह से इनको भ्रमित किया, क्या कुछ इनको बताया ये खुद बताएंगी, लेकिन बता दें तकरीबन लाखों के जो है गहने और इनके सामान जो है ले करके वो ठग जो है फरार हो गए। माता जी क्या नाम है आपका? मनोरमा दुबे। क्या हुआ था आपके साथ माता जी? बाजारे गए लली, अब बाजार से इधर लौटा थे तो एक थोड़ा मिल गया, तो हमके रोक के कहा माता मतलब पलगी लगी कैला स्कूल बात व्यवहार कल कठे लड़का हमें छठे तोरे लड़का हम अपने आप बताओ था। अच्छा, एक बाद तोरे दमादे का पहले पीस पार हो गया हुआ। अच्छा, वो बतौला तो हम कहे हाँ सही बताओ था, तो फिर खत्म बता रहा तोरे लड़का पे इतनी संकट आई हो सके, इतने खतरा कि दो तीन दिन में मृत्यु हो सकती, मृत्यु हो सकाला। फिर अकर बाद गईली फिर रोहर ले गल बाजार में एकदम पूरा, वहाँ से कह था कि अपन अंगूठी आई सिकड़ी और मोबाइल हमारे हाथ पर धर दा, आज चार परक तू पीछे जाए ताकिया जी ने रो लड़के अतले लेके भाग गया हमारा, आईली खोजली पैबे न कैली। ओके, अच्छा आप कभी देखी थी उसको आदमी? नहीं, पहली बार देखा ली। पहली बार थी? एक ही लोग थे कोई और था? तो एक लोग पहले मिलल फिर दूसरा का बाद में मिल गया। अच्छा, पहले मतलब वो आपके दिमाग भ्रमित कैले आपके बतौले कि मतलब ऐसा आपके साथ भयल रहा है तो कहले कि आप जो है फिर डर गई नहीं आप? हाँ डर गई, हम कहली हमारे लड़का सुरक्षित रही, मतलब कहलस कि कुल कह के हम तो के देते। यहाँ बिल्कुल देखिए किस तरह से उसने पहले एक मानसिक जो है वो दबाव डाला, किस तरह से आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो पहले से रेकी करके रख चुका था, उसको जानकारी रही होगी कि इनके परिवार में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसको लेके उसने इसने टारगेट किया और मानसिक दबाव डाल करके उसका वो फ़ायदा उठाया। यहाँ पर इनके परिवार के और लोग हम बात करेंगे। भैया जब ये घटना हुई उसके बाद आप कहाँ थे उस वक्त? आप हम तो गए थे मुफ्तीगंज एक शादी के मैटर में, जब वहाँ पे उनके द्वार पे जाने लगे तो रास्ते में थे तो इनका फ़ोन हमें तराय मोड़ से बाज़ार से फ़ोन पहुंचा, तो लोग बताने लगे कि आपके माता के संग ऐसा ऐसा हो गया, तो थोड़ा दिमाग तो डिस्टर्ब हो गया उस समय। फिर सोचा मैंने कि आएँ, लेकिन थोड़ा सा काम की वजह से मैं वहां पे रुक गया, बाद में आया तो फ़ोन से बातचीत होने लगी उनसे, माता जी से सारी चीज़ें मालूम हुई, इनको समझाया बुझाया, फिर इनको पुलिस चौकी तक भेजा FIR दर्ज करने के लिए, FIR दर्ज भी हुआ वहाँ पे। उसके बाद हमने आया तो अभी तक कोई मतलब वो नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया हमको, हमारे चौकी पे गई थी तो बोले कि कोई भी एक सदस्य घर का चला जाए थाने पे, उनको रसीद वगैरह दे दिया जाएगा। तो मेरा बेटा है 17-18 साल का, तो गया था जो थाने पे, तो वहाँ पे पता लगा कि भैया जो पीड़िता हैं वो आएंगी तभी उनको रसीद दिया जाएगा। तो पीड़िता उस अवस्था में नहीं थी कि उनको लेके जाया जाए उस समय, तो हमने सोचा कि आए तो फिर दिमाग में बैठा कि जाने से कोई मतलब नहीं है, रसीद है थाने पे रहेगी, उससे कोई वो लेना देना तो है नहीं, इसके लिए मैं गया नहीं अभी तक। तकरीबन आप क्या लगता कितने का सामान गया होगा कुल जो? तकरीबन भैया 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास, करीब उसमें 12 से 13 ग्राम तक चैन था और 1 चवन्नी के ऊपर ही अंगूठी थी, 8 से 10 हज़ार तक की मोबाइल थी जो कि 15-20 दिन पहले हमारी माता जी ने लिया था। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि परिचित लोग रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से उसने बताया है सब कुछ माताजी को, तो आपको क्या लग रहा है? जैसे जो बताया है, जो माताजी बता रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि कोई ना कोई जानकारी उसको थी, या हो सकता है कोई तांत्रिक क्रिया हो उसके पास, उसके आधार पर वो बताया हो, तब ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि उसमें वो क्या किया कैसे किया। अच्छा, देखा जाए भैया तो ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, फिर भी जो है प्रशासन इस पर रोक नहीं लगा पा रहा है, क्या कुछ जागरूकता कमी है या प्रशासन की नाकामी, क्या नज़र आता है आपको? अब ये तो हम अच्छी तरह से बता नहीं पाएंगे, ये प्रशासन का काम है,
प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक्टिव है या नहीं है, ये हम कैसे बता दें? हम तो आम जनता है, जो प्रशासन कहेगी वही मानेंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जिस तरह से आपने बताया कि माता जी को उसने जो है ठगी का शिकार बनाया है, पहले मानसिक दबाव डाला, कुछ ऐसी बातें बताई पिछली जिसको लेके माता जी भयभीत हो गईं और उन्होंने अपना सारा जो कुछ भी इनके पास था इन्होंने उसे दे दिया और इसका फ़ायदा उठाते हुए वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस को तहरीर दे दी गई है और पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की जांच कितने जल्दी पूरी होगी, कितने जल्दी जो पूरा खुलासा होगा, ये भविष्य के गर्भ में है।